आप जान रहे हैं कि 10 तारीख पे तो अकाउंट होने वाला है। आप जान लीजिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, एनडीए के साथ बनाएगी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। फर्स्ट चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों चरण मिलाकर अधिक से अधिक सीट लाने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, कहीं ना कहीं जदयू ने बिहार में कार्य नहीं करने के वजह से शायद वो नहीं आ पाएगी वापस सरकार में, क्या लगता है, विकास हुआ है या नहीं? देखिए, बिहार में जो विकास हुआ है वो 2005 से जो विकास हुआ है उससे पहले का आप देखे हैं, सरकार जो चलाया है उस सरकार को सब लोग देख चुका है। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो 2005 के लेकर जो सरकार 15 साल के शासन काल में किया है उस सब लोग जनता ने खुश है और जनता ने मन बना लिया है कि ठीक से एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, हम लोगों जो हैं से जुदा जो मनोकामना जो है से हम लोग सरकार जो काम किया है, हम लोगों ने जो काम किए हैं तो भगवान तो ऊपर देख रहा है, हम लोग जो है से काम किए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मान लेते अगर सरकार नहीं बनी तो जितनी कार्यकर्ता है, जितनी पार्टियां, क्या फिर वो वापस से पीछे हट जाएंगी या लगातार फिर से वही अपना कार्य प्रगति बिहार में कार्य करते रहेंगे? जिस तरह से हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ हैं उसी तरह से साथ रहेंगे। और सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हम लोगों जो हैं से अब की बार हम लोगों ने पूर्ण बहुमत से साथ सरकार बनाएंगे। माननीय देश में प्रधानमंत्री जो हो, वो आयुष्मान भारत लाया, APC कनेक्शन गैस दिवाने का काम किया है और समान निधि योजना देने का काम किया है। बिहार में हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबका कौशल विकास योजना देने का काम किया है और का बिहार में बच्चे का छात्रवृत्ति योजना देने का काम किया है। मेडिकल जितना इंजीनियरिंग का है सब बच्चा का एजुकेशन देने का काम किया है और उसमें हम लोगों ने काम किए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत भी माननीय नेता ने सात नीचे में जोड़ने का काम किया है। एकदम हम लोगों तो जान रहे हैं भाई कि माननीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और हम लोग के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो निर्णय लिए हैं वो उन्हीं के साथ हम लोगों ने फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तो लगभग किया है। माननीय देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं बिहार के कि बिहार में जब भी चुनाव होगा, सुबह से बोलते आ रहे हैं कि बिहार में अगला चुनाव होगा 2020 में वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। तो आप लोग तो सुबह से जान रहे भाई, JP नड्डा साहब बोल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हम लोग के देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि अगर RJD की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो क्या होगा बिहार में? देखिए, 2005 से जो पहले जो सरकार चला रहे थे RJD के काल में वो जंगल राज था। माताएं बहनों 5 बजे से के बाद घर से निकलना मुश्किल था, मार पीट चोर बेईमान का शासन था। अब हम लोगों ने, बिहार की जनता ने जो इंसान के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जो 2005 में जो काम देखा है और उसी के साथ फिर पुनः एक बार नीतीश कुमार जी का सरकार बनाने का लक्ष्य लिया है